सोलन के मोहन पार्क में भगवान शिव की प्रतिमा की मुरम्मत का कार्य चल रहा था। मुरम्मत का कार्य पूरा तो हो चुका है, लेकिन अभी तक भगवान शिव की प्रतिमा के चारों ओर लगी बल्लियों को नहीं हटाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव को बांस की बल्लियों के बीच कैद किया हो। इस घटना से शहरवासियों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। उन्होंने नगर परिषद से गुहार लगाई है कि मोहन पार्क की स्थिति को जल्द ठीक करें, ताकि मोहन पार्क पहले की तरह सुंदर और आकर्षक दिखे। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि मोहन पार्क अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ के सुंदर दृश्य पंजाबी गायकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। कई गानों की शूटिंग इस पार्क में हो चुकी है, लेकिन पार्क की खूबसूरती को काफी समय से ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि यहां पार्क की मुरम्मत का कार्य चल रहा था जो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान शिव की मूर्ति को चारों ओर बांस खड़े किए गए हैं, जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव को कई महीनों से जकड़ रखा है। आसपास वेस्ट मटेरियल बिखरा पड़ा है, लेकिन कोई भी इसे हटाने की जहमत नहीं उठा रहा है। यहाँ आने वाले लोग पार्क में बिखरे पड़े इस कबाड़ को देखकर बेहद मायूस हो रहे हैं, जिसे जल्द ठीक करवाना चाहिए। जो ये भोलेनाथ की मूर्ति है, ये लकड़ियों से घिरी हुई है और इससे इसकी शोभा कम हो रही है। या तो इस लकड़ी को हटाया जाए या तो फिर इसका काम पूरा किया जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुकेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का रहने वाला हूँ। और हम यहाँ पार्क में घूमने के लिए आए थे, तो यहाँ ये भोलेनाथ की मूर्ति है, तो इसमें जो है काम चला हुआ था, इसमें जो है लकड़ी वगैरह चारों तरफ से लगी हुई है, या तो इसे साइड कर दिया जाए और या फिर ये काम पूरा किया जाए। इससे जो है यहाँ पे देखने वालों से इसकी शोभा नहीं आ रही है। पिछले 4 महीने से ये शंकर भगवान जो वहाँ पर विराजमान हैं मोहन पार्क के अंदर, उनको बलियों में कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं नगर परिषद का है ये काम या ठेकेदार का, जो भी है, लेकिन 4 महीने हो गए। अब मेरे समझ में नहीं आती, 4 महीने में उनको किसी को सूत ही नहीं है कि भाई भगवान शंकर वहाँ लोग जाते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, उनको वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, तब सैर करते हैं। फिर हमारा सोलन का ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मोहन पार्क, यहाँ पर कई फिल्मों की और कई पंजाबी वीडियोस की शूटिंग हुई है। यहाँ पर आप देखते होंगे वीडियोस में, मैंने देखा कि कई पंजाबी पिक्चरों की भी यहाँ शूटिंग हुई है, और कई लोग अपने प्री वेडिंग शूट्स भी यहाँ करते हैं। मतलब हमारे सोलन की एक शान है मोहन पार्क, और बड़ी उम्मीद लेके यहाँ पर टूरिस्ट और लोकल आदमी जाता है। लेकिन 4 महीने हो गए, क्यों किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि शंकर भगवान को चारों तरफ से बलियों से घेर के रखा हुआ है। अब वहाँ क्यों लगाई बलियाँ, कृपया नगर परिषद इस पर ध्यान दें और उसको शंकर भगवान को कृपया इस जाल से मुक्त कराएं, ताकि लोग वहाँ उसके दर्शन करें और टूरिस्ट आए और उसका जो स्वरूप है मोहन पार्क का वो बरकरार रहे। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मोहन पार्क की देखरेख का जिम्मा निजी कंपनी को दिया गया है, और वहीं कंपनी इस पार्क की मुरम्मत करवा रही है। अगर वह जल्द इस पार्क की मुरम्मत को पूरा नहीं किया जाता है, तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मोहन पार्क नगर परिषद का है, वो उसके सुपरविजन कंट्रोल इसको अडॉप्ट ब्रूरी वालों ने किया हुआ है। अभी इन्होंने इसमें पेंट वगैरह किया था और इसकी साफ सफाई और पेंट वगैरह, लाइटें वगैरह उन्होंने लगाई थी। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट हमें दिया था, जो अभी उनके मुताबिक अभी आधा प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा किया है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसकी मूर्तियाँ और इसकी दीवारें और इसकी लाइटें बिल्कुल सही और दुरुस्त हो जाएगी। अभी 3 महीने का पीरियड उनका बचा हुआ है, इस 3 पीरियड का जो उन्होंने समय मांगा था, उस समय के दौरान ये काम पूरा कर दे। अगर समय के जो इन्हें समय दिया गया है उसके दौरान ये मूर्तियां ठीक नहीं हुई, ये पेंट ठीक नहीं हुआ, इसकी लाइटें ठीक नहीं है, तो इनसे वापस ले लिया जाएगा और नगर परिषद इसको अपने तौर पर इसकी साफ सफाई और पेंट लाइटें स्वयं ठीक करेगी।